नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि 25 मार्च बृहस्पतिवार को पतरातू प्रखंड सह अंचल परिसर स्थित सभागार में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपनिदेशक मीनाक्षी शर्मा देर शाम पहुंची। आयोग के उपनिदेशक ने कहा कि देश के सभी राज्यों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रामगढ़ जिले में भी जागरूकता कार्यक्रम के उद्देश्य आए हुए हैं। पतरातू प्रखंड विकास पदाधिकारी देवदत्त पाठक ने बताया कि प्रखंड के अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना व उद्देश्य की जानकारी देना मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा और कुछ कुछ प्रश्न रहते हैं जो अक्सर कमीशन द्वारा फोन करके पूछते हैं या दूसरी एक्ट के बारे में पूछते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है SC ST अधिनियम 1989 के संबंध में कुछ अक्सर पूछे गए प्रश्न या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इसमें भी बहुत पूछना है जो आपके काम की है कि मतलब आप SC ST शिकायतों का जो अन्वेषण है, जो शिकायतों की इन्वेस्टिगेशन है, उसका काम जो है वो आयोग के अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। तो आयोग को जब भी कोई शिकायत आपकी प्राप्त होती है तो उस पर आयोग नोटिस जारी करता है। तो वो नोटिस अधिकारियों के द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन आयोग की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो उसके अनुमोदन से जारी किए जाते हैं। तो आप जब आयोग यहाँ पर मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सभी राज्यों के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है, तो आयोग अभी लोहरदगा में जागरूकता कार्यक्रम करके आया है और अब डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ में कर रहा है जिसका यात्री दुख था। तो यहाँ पर हम लोग जागरूकता कार्यक्रम के उद्देश्य से आए ताकि ST समुदाय में आयोग के कार्य और उनकी भूमिका के विषय में जागरूकता फैलाए। हमारे प्रखंड के लोगों की जो समस्याएं हैं इस कमीशन से, जो भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति से संबंधित कमेटी है, कमेटी अपना दायित्व निभाते हुए यहाँ पधारी है कि यहाँ के क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं लोगों की, खासकर ST लोगों की, उनसे रूबरी हुए, लोग अपनी समस्याओं को बताए, वो लोग लिखित रूप में मैडम को आवेदन दिए, हमारे कार्यालय में, अंचल कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में भी आवेदन देंगे। हम लोग आश्वासन दिए हैं कि उनकी सारी समस्याओं का हम लोग निदान करने की कोशिश करेंगे और उन्हें लाभ पहुंचाएंगे।